हम आपको आज दिखाएंगे वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है। ये हमारा फ्लोर एरिया है जिसपे हम वाटरप्रूफिंग करके दिखाएंगे आपको। इस सारी छत पे वाटरप्रूफिंग की जाएगी। पहले हमने सारा कंपाउंड मारा है। कंपाउंड मारने के बाद फिर हमने ये वाइट सीमेंट डाला है पानी में। वाइट सीमेंट डालने के बाद यह डिब्बा पानी में मिलाया है। 5 लीटर का डिब्बा है, 4 लीटर पानी इसमें डलता है। फिर इसमें ब्लैक सीमेंट डाली जाती है। फिर ये पिडलाइट कंपनी का डीआर डालना पड़ता है 1 लीटर में। फिर 7 लीटर पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद इसमें ये केमिकल मिलाया जाएगा। केमिकल मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह हम घोल बनाएंगे। अच्छी तरह घोल तैयार हो गया है। इसका घोल तैयार कर रहे हैं। ये इसको देखो, इसका घोल बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल तरीके से तैयार हो गया जी। घोल मिलाने के बाद इसमें अच्छी तरह हाथ से मिलाया जाएगा। हाथ से मिलाने के बाद इसको बढ़िया तरीके से, ये देखो जी, इधर आप छाप देख रहे हो, जितनी भी छाप है ये बाल पे बाल है। इस पर पहले ब्लैक जापान किया था। ब्लैक जापान करने के बाद इस पर ये वाटरप्रूफिंग की जाएगी। इससे छत में कभी शोरा नहीं आएगा। ये डब्बा है जी जो इसे वाटर प्रूफिंग करके दिखाएंगे आपको छत की। और ये केमिकल है जो इस डब्बे में डाले जाएंगे। ये वाइट सीमेंट है जी। इस वाइट सीमेंट में 6 किलो माल में 3 किलो वाइट सीमेंट डाली जाएगी। इसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग की जाती है। इससे छत की वाटर प्रूफिंग तैयार होगी जी। छत की वाटर प्रूफिंग तैयार होने के बाद हम ये डब्बे में डालेंगे और 4 इंच की बुरश से इसका घोल करेंगे। जहाँ पे ये लगाएंगे वो तो आपको हम जगह दिखाएंगे। ये देखते रहो जी। इधर ले आओ छोटू। ये देखो जी, हम यहाँ पे देखते रहो जी, यहाँ पे करेंगे। ये देखो यहाँ पे इसका इतना ऊपर ऊपर मार जाएगा इसको। इससे ये छत की वाटरप्रूफिंग तैयार हो रही है। ये देखो आप, अच्छी तरह से इसको मिलाकर ये देखते रहो आप छत की वाटर प्रूफिंग। इस प्रकार से आपको हम तैयार करके दिखाएंगे। इसको बोलते हैं छत की वाटर प्रूफिंग तैयार। किस प्रकार से, किस किस केमिकल से तैयार की जाएगी, बस करो। ये देखो जी, बंद कर दे।